हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के तरफ से पटवारी चयन परीक्षा के लिए 301 पद जो कि आया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका चयन किस प्रकार से होगा, क्या सभी जिले वालों को इसका फायदा मिलेगा, क्या मैं बालोद जिला से हूं तो पूरे आज छत्तीसगढ़ के जिले में क्या मैं अपना आवेदन लगा सकता हूँ, योग्यता क्या होगी और इसके लिए कितने प्रश्न आएंगे, इसका चयन किस प्रकार से होगा इत्यादि सभी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों 301 पद सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हम सुनते हैं हमको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इनकी वास्तविकता पर जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एक निराशाजनक रिजल्ट जो है निकल के सामने आता है। ये जो 301 पद है ये क्या सबको फायदा मिलेगा, क्या सभी जिलों को फायदा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 301 पद जो है आया है वो कुछ कुछ लोगों को ही फायदा मिलने वाला है। ये फायदा किस प्रकार से मिलेगा आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल सिटी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से करके अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर से फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि इसकी जो भर्ती नियम है वो किस प्रकार से होने वाली है। अगर ये देखिए, अगर मैं बात करूं 301 पद आया है और मान लो मैं बस्तर संभाग की बात करूं तो बस्तर संभाग के लिए मात्र 51 पद आया हुआ है, वो भी 5 जिले के लिए। जैसे कि मैं बात करूंगा जैसे बस्तर के लिए बात करूं तो सिर्फ बस्तर जिला के लिए सिर्फ 12 पद निकल करके सामने आया हुआ है, वो भी पटवारी परीक्षा के लिए। अब इसमें यह भी नहीं है कि बस्तर जिला वाले कांकेर वाले में भर सकते हैं क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो जिस जिले का है उसी जिले में अप्लाई करेगा, अर्थात बस्तर में अगर 12 पद है तो वो बस्तर जिले के अंतर्गत ही उम्मीदवार ही उस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है। और जैसे कि मैं बात करूं कांकेर की तो कांकेर में 18 पद आया है, नारायणपुर में 3, सुकमा में 8 और बीजापुर में 10, तो इस प्रकार से 51 पद हो जाते। अब बच गए बाकी 2 जिला, कोंडागांव बच रहा है और दंतेवाड़ा बच रहा है। जबकि कोंडागांव और दंतेवाड़ा में कोई भी पद नहीं निकला है तो कोंडागांव वाले उम्मीदवार क्या करेंगे, जो कक्षा 12वीं पास कर लिए हैं, कंप्यूटर के हैं, जिनका 5000 डिप्रेशन से जो कि जो लिख पाते हैं उनका क्या स्थिति होगा। अर्थात सीधी सी बात है कि कोंडागांव और दंतेवाड़ा के जो भी उम्मीदवार है, जो भी पढ़ लिए हैं, जो आवेदन करना चाहते वो इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं उठा सकते क्योंकि उनके लिए तो पद ही नहीं है, क्योंकि 24 जिले के लिए ही पद निकला हुआ है। तो कोंडागांव और दंतेवाड़ा के लिए जाहिर सी बात है कि वहां के उम्मीदवारों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब देखें, जबकि मैं बता दूं सुकमा के लिए 8 पद आया हुआ है, अब क्या करेंगे, 8 पद के लिए 8000 एप्लीकेशन तो ऐसे ही आ जाते हैं और आप जानते हैं कक्षा 12वीं पास करके कंप्यूटर पास करके कई उम्मीदवार है तो 8 पद में क्या होने वाला है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि ये जो वैकेंसी आई हुई है 301 जो पद कह रहा हूं मैं, 301 सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन इसकी वास्तविक तक जानेंगे तो अपने जिले के लिए 8 है, किसी के लिए 12 है, किसी के लिए 18 है, तो बीजापुर के लिए 10 है, बाकी के लिए तो कोई आया ही नहीं है तो वो लोग भी क्या करेंगे। तो ऐसे करके ये जो है बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं है। जिस जिले में अच्छा खासा पद है वहां के निवासियों को अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन जो जिस जिले में निवासरत है, जिसका निवासी प्रमाण पत्र जहां से बना हुआ है उसी जिले पर निवास, उसी जिले का आवेदन कर सकता है, बाकी वो यहां से आवेदन नहीं कर पाएंगे तो इसका फायदा नहीं होने वाला है। तो ये रहा, अर्थात सीधी बात कहूं कि जिले के स्थानीय निवासी ही इसके लिए आवेदन करेंगे। क्योंकि आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां पर आप लोग देखेंगे जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से आता है। देख लीजिए, यहां पर आप लोग देखेंगे पटवारी सभी नियम को पढ़ रहे हैं, जैसे हाँ हाँ करते हैं तो मूल निवासी में आपका, जैसे मैं कोंडागांव का बात कर रहा हूँ, कोंडागांव दंतेवाड़ा, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट चुनने का होता है तो यहाँ सब्जेक्ट चुनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप लोग देखेंगे यहाँ तो अर्थात वो वहां के जो उम्मीदवार है ये आप बिल्कुल फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहां पर देख लीजिए सिर्फ 24 जिले के लिए है यहां पर ऐसा बता रहा है, और आप लोग फोटो जब भी फॉर्म भरेंगे तो इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा।
तो यहां से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट में आप लोगों को बता दूं कि जो है स्थानीय भर्ती है, जिले की स्थानीय भर्ती है, उसके अनुसार से है। और इसके लिए आयु सीमा की बात करूं तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आयु होने वाला है। परीक्षा पद्धति, अब आता है परीक्षा पद्धति। तो चयन किस प्रकार से होगा, आप लोगों थंबनेल में देखा कि चयन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो परीक्षा लेता है। परीक्षा में क्या होगा कि एक जो परीक्षा होगा उसमें क्वेश्चन देंगे, तो कितने क्वेश्चन होंगे, कितने आंसर होंगे, तो यहां पर 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक होंगे, अर्थात एक प्रश्न के लिए एक उत्तर होगा। तो 150 के लिए 150, ये रहा आपका परीक्षा पद्धति। उसके बाद मूल्यांकन पद्धति में आ जाते हैं। मूल्यांकन पद्धति जो है माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग अर्थात अगर आप गलत आंसर करेंगे, गलत उत्तर बना देते हैं, तो 1/4 अर्थात 1/4 में आपका माइनस मार्किंग होने वाला है। अर्थात जब भी आप इसके लिए एग्जाम दिलाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। अगर आपको पता है तभी आप चिन्ह लगाएं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, या तो फिर माइनस मार्किंग के उस पर चला जाता है। तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद आता है तीसरा जो चयन प्रक्रिया होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल 150 नंबर का जो परीक्षा लेगा उसमें अगर आपका कितना आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है, उसके आधार पर जिलेवार मेरिट सूची तैयार करेगा। मेरिट सूची तैयार करके आपको जितना भी उसका रिजल्ट है उस रिजल्ट को संबंधित विभाग में, संबंधित विभाग अर्थात राजस्व विभाग, जैसे मैं बात करूंगा जैसे बस्तर के लिए है, कांकेर के लिए, तो कांकेर के संबंधित जो विभाग है उस विभाग को उसका रिजल्ट जो है उसका मेरिट लिस्ट दे देगा, वो विभाग जो है आपको सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा हो जाता है। और चलिए वेतनमान के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वेतनमान तो अच्छा खासा हो ही जाता है पटवारियों का। तो 301 पद आया है दोस्तों, अगर आप भरना चाहते हैं और तो जरूर से भर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो योग्यता है 12वीं पास है और आप लोगों का कंप्यूटर होना चाहिए और 5000 शब्द का प्रति घंटा डिक्टेशन के साथ आपका जो टाइपिंग स्किल है वो होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना भरा हम सुनते हैं 301 पद निकला है ऐसा करके, लेकिन जब वास्तविकता अगर जांच करते हैं तो कहीं आपको निराशा कर देता है इन बेरोजगारों को। तो यहाँ पर मैं जैसे बात कर रहा था, जैसे बस्तर में 12 पद है, कांकेर में 18 है, नारायणपुर में 3 है और सुकमा में 8 है, बीजापुर के लिए 10 है। तो सोचो मात्र 51 पद बस्तर संभाग कितना बड़ा होता है। तो यहाँ पर 51 ही पद है, जबकि कोंडागांव दंतेवाड़ा से 0 पद है। वहां के बेरोजगारों को कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो स्थानीय जिले के निवासी का ही मंगाया जा रहा है। तो इस बात को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए आज इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।